हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मानो या ना मानो, दुनिया में जो भी चीज होती है वो हमारे बिलीफ के ऊपर ही टिकी होती है, यानी कि हम किस चीज को मानते हैं और किस चीज को नहीं मानते। इस वीडियो में आज वाकई में कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक वीडियोस हम देखने वाले हैं जो आपको बिल्कुल पसंद आने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एनी बेनेट और उनका बॉयफ्रेंड तकरीबन 2.5 साल पहले इस फार्म हाउस में शिफ्ट हुए हैं। वो बताते हैं तभी से यहाँ पर बहुत सी अजीब गरीब घटनाएं होती हैं, स्पेशली इस डाइनिंग रूम में। एनी ने बताया कि इस कमरे में चीज़ें अपने आप ही इधर उधर हिलती डुलती रहती हैं, और सबसे ज़्यादा हॉन्टेड ये पियानो है। इस पियानो के ऊपर लगी घड़ी अपने आप ही ओपन हो जाती है, यहाँ तक कि ये पियानो बिना किसी के बजाए अपने आप ही बजने लगता है। और ये सारी घटनाएं होने के बाद उन्होंने यहाँ पर कैमरा लगा दिया। कैमरे में ही हम ये देख रहे हैं जो सामने नज़र आ रहा है। वहाँ पर सबसे पहले तो एक अजीबोगरीब लाइट नज़र आती है, जबकि उस लाइट का कोई सोर्स वहाँ पर नहीं था। ये लाइट कुछ ही सेकंड के लिए वहाँ पर दिखती है, उसके बाद ये फिर कभी दिखाई नहीं दी। उसकी थोड़ी देर बाद जो पियानो के ऊपर घड़ी है वो अपने आप ही ओपन हो जाती है। ध्यान से देखने के बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी धागे या स्ट्रिंग से इसे खोला गया है। वो इस फॉर्म हाउस का इतिहास बताते हैं कि यहाँ पर एक औरत अकेली रहा करती थी, और 2:19 पर रात को वो मर गई थी, और ये सारी घटनाएं भी एग्जैक्ट उसी टाइम पर होती हैं। उस औरत को म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद था और वही इस पियानो को बजाया भी करती थी। आप देखिए ज़रा यहाँ पर पियानो किस तरीके से अपने आप बज रहा है। पियानो बजा, हमने आवाज़ भी सुनी, लेकिन ये उस की से बजाया गया था जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं थी, तो शायद हम सोच सकते हैं कि इन लोगों ने उधर से बजा दिया होगा। लेकिन इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक ऐसा मूवमेंट है जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं है और पियानो की कीज अपने आप ही धुन बजा रही हैं। इसके अलावा थोड़ी ही देर में जो पास में एक ट्रे रखी है वो भी अपने आप हिलती हुई नजर आती है, जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो कांच के कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं। और यहाँ तक कि अगर ये भी फेक है तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो हमने देखा था कि घड़ी का ढक्कन अपने आप ओपन हुआ था। और यही नहीं तो ये भी ज़रा आप देख लीजिए। हम मानते हैं कि ये सारी ही चीज़ें आश्चर्यचकित करने वाली हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि जो भी आत्मा या भूत ये कर रहा है वो इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आगे आप देखिए किस तरीके से ये ढक्कन अपने आप ओपन हो रहा है। पियानो का अपने आप ही बजना, घड़ी का अपने आप ही ओपन हो जाना, ट्रे का अपने आप ही सरक जाना, ये बहुत सारी घटनाएँ यहाँ पर हुई थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब ढक्कन ओपन होता है तो उसके अंदर कुछ अजीब सा रिफ्लेक्शन नज़र आता है, और थोड़ी देर बाद वो गायब भी हो जाता है। ये सारी घटनाओं को देखकर हम यही कंक्लूड करेंगे कि हो सकता है कि जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है, भूतिया है, शायद ये 100% सही हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो। ये एक अस्पताल का फुटेज है जहाँ पर एक वार्ड में एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद वहाँ पर लगी घड़ी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी। इस घड़ी में अचानक से ही टाइम बहुत तेज स्पीड में दौड़ रहा था। कई लोग सोच सकते हैं कि शायद ये कोई टाइम लैप्स वीडियो है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ जो मिनट्स का कांटा है वो तेज़ भाग रहा है, जबकि सेकेंड का कांटा अपनी रेगुलर स्पीड पर चल रहा है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी घड़ी को इस तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा है, क्या आपने देखा है? ये वीडियो है न्यू मेक्सिको से, और यहाँ पर एक फैमिली अपना डिनर कर रही थी। वो बताते हैं कि हमारी नज़र अचानक से ही मॉनिटर पर पड़ी, जो हमारे घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा है वो उसी का मॉनिटर था। तब हम देखते हैं कि एक कोई छवि अचानक से ही हवा में कहीं से आ जाती है, और फिर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, और फिर गायब भी हो जाती है। फैमिली बताती है कि हाल ही में हमारे एक अंकल की मौत हुई है, हमें बिल्कुल ऐसा लगा मानो ये उन्हीं की आत्मा है जो हमसे मिलने आई थी, और ये वहाँ के न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया था। आइए देखते हैं।
oh no, no, that couldn't have been, that couldn't have been, and then panicked and ran over. This is what they saw during dinner last night. It looks like a person in an otherworldly form. Their explanation? It's a ghost. इस घर में लगे सीसीटीवी कैमरा ने एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना कैप्चर की थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो किचन है सीधे हाथ की तरफ जो दरवाजा सामने दिख रहा है वहां पर से एक परछाई जाती हुई नजर आती है। ये बंदा बताता है कि ये सीसीटीवी कैमरा है और ये नाइट विजन मोड ऑन है, यानी कि ये पूरा अंधेरा था तब जाके ये चीज कैप्चर हुई थी। लेकिन अंधेरे में भला परछाई कैसे कैप्चर हो सकती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये वीडियो इंडिया या पाकिस्तान में से कहीं का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़की ऊपर से उतर कर आती है। वो देखती है कि जो वाइपर वहाँ रखा है वो अपने आप ही हिलने लगता है और फिर गिर भी जाता है, और वहाँ पर लगी हुई लाइट अपने आप ही बहुत तेज़ फ्लिकर करने लगती है। ये बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था इस बच्ची के लिए। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की माने तो ये जो एक्सपीरियंस है डरावने, ये सिर्फ पर्टिकुलर इस बच्ची के साथ हो रहे थे, बाकी घर के और किसी मेम्बर ने ये चीज़ें महसूस नहीं की थी। ये बंदा घर में अकेला है, टिकटॉक के लिए अपनी वीडियो बना रहा है, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि चढ़ाव पे से बैठकर कोई चुपके से इसे देख रहा है, लेकिन वो कौन है ये खुद भी नहीं जानता। ये वीडियो रेडिट से आया है जिसे एक औरत ने वहां अपलोड किया है। वो बताती है कि जब मैं किचन में काम कर रही थी तब मेरा एक जार अपने आप ही वहां पर मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा था, जिसे मैंने कैमरा में कैप्चर किया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ये वीडियो जिस बंदे ने अपलोड किया है वो बताता है कि मेरा वर्क प्लेस यानी कि जहां पर मैं काम करता हूं वो जगह भूतिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें अपने आप ही गिरने लगती हैं। उन्हीं में से जो सबसे बेस्ट वीडियो था वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं अलमारी पर रखी हुई एक चीज अपने आप ही पहले हिलती है और फिर गिर जाती है। ये एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। पहले आप दो जो वाइपर रखे हैं उन पर ध्यान दीजिए, उसके आसपास की चीजें पहले अपने आप हिलती हैं और फिर ये वाइपर भी बिना किसी रीजन के अपने आप ही गिर जाते हैं। ये वीडियो आया मेक्सिको से और ये एक फैक्ट्री का फुटेज है। ये रात के टाइम सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं जब यहाँ कोई नहीं था तब एक धुएं जैसी छवि, धुएं जैसी आकृति जाती हुई नजर आती है। बाद में जब ये लोग ये देखते हैं तो ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि उस दिन तो फैक्ट्री में कोई था ही नहीं, और अगर कोई था भी तो वो इंसान जैसा नजर आता। भला फिर ये क्या चीज़ थी जो हमने कैमरा में देखी थी। इस घर में एक औरत रहती है जो बताती है कि मेरा घर हॉन्टेड है, भूतिया है, क्योंकि उसने जब अपना सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसे ये छवि, ये आकृति कैमरा में कैद मिली थी। जबकि हम देख सकते हैं चढ़ाव पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक परछाई दीवार के ऊपर आती जाती दिखाई दे रही है। ये घर जिस बंदे का है वो बताता है कि उसके घर में कई अनहोनी घटनाएं हो रही थी, तब उसने सोचा इसे कैमरा में कैद कर लेना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप एक सीरियल से भरा हुआ बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आसपास नज़र नहीं आती जिसकी वजह से ये हिल रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी पंखा नहीं चल रहा था। कई लोग सोच सकते हैं कि शायद पंखे की वजह से ये मूवमेंट हो रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मूवमेंट है, जिस टाइप से ये हिल रहा है उस टाइप से पंखा चालू होने के बाद भी ये नहीं हिलेगा। En fait, c'est bizarre comment il bouge.
और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आज का भूत वाला वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।